नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के बारे में। इसके पहले हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखने का मिलेगा और इससे आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आइए नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखते हैं। हम देखिए नॉर्थ अमेरिका दोस्तों, इधर रसिया है, रसिया के बाद बोरिंग जल संधि है, ठीक है, पिछले क्लास में देखे थे। यहाँ अलास्का है, ठीक है, जहाँ अलास्का पर्वत है और ब्रुक्स पर्वत है, दो पर्वत है। ये ग्रीनलैंड है दोस्तों, क्या है, ग्रीनलैंड है। वहाँ ग्रीनलैंड के पास बेफिन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी है। जस्ट उसके नीचे जो है हडसन की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ मेक्सिको की खाड़ी है। कौन कौन सी खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है। यहाँ अलास्का में क्या है, अलास्का पर्वत, ठीक है। ये दोस्तों, ये जो पर्वत देख रहे हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक रॉकी पर्वत है। कौन सा पर्वत है, रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अमेरिका में ही दोस्तों ये कनाडा है और ये यूएसए है। क्या है, कनाडा है, यूएसए है और ये मैक्सिको है। तीन भागों में बांटा गया, एक बार पुनः देखिए कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया इसको। इधर ये कनाडा है ऊपर में, बीच में है यूएसए और नीचे है मैक्सिको। जो कनाडा और यूएसए को जो अलग करने वाले लाइन है दोस्तों, ये 49 डिग्री समांतर रेखा है। कितना है, 49 डिग्री समांतर रेखा है। इसी 49 डिग्री समांतर रेखा पर जो है ये पांच झील पाए जाते हैं, जिन झील के बारे में हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। इसमें से सबसे मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है दोस्तों। मिशिगन झील है, ठीक है, ह्यूरॉन है और अन्य झील है। ये फ्लोरिडा है, यहाँ जो देख रहे हैं आप ये फ्लोरिडा है, ये लेब्राडोर सागर है, बरमूडा ट्रायंगल है दोस्तों। बरमूडा ट्रायंगल क्या है, यहाँ कई कोई भी जहाज वहाज डूब जाते हैं। सार्गासो सागर है, हवाना है, ठीक है, क्यूबा है, ये सब चीज़ें। आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ है लिखा हुआ। प्रेरी घास का मैदान यहाँ है, हम लोग जिसमें अफ्रीका में देखे थे दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ सवाना घास का मैदान था और यहाँ अमेरिका में जो है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान है, ठीक है। और कनाडा और यूएसए को अलग करने वाला जो रेखा है, समानांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा है, जिस पर सुपीरियर झील स्थित है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नीचे कैरेबियन सागर और पनामा जल संधि है। उत्तरी अमेरिका जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में आता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में आता है। इसके उत्तर में अंटार्कटिक महासागर है, इसके दक्षिण में कैरेबियन सागर है और इसके पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर स्थित है। चारों ओर सागर ही सागर है, उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में कैरेबियन सागर और पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा स्थान आता है दोस्तों, 7.5% है, और जनसंख्या के आधार पर ये चौथे स्थान पर आता है, जहां 16.5% की जनसंख्या निवास करती है। यहां पर कोई मरुस्थलीय देश नहीं है, ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में कोई भी मरुस्थलीय देश नहीं है। क्या क्या याद रखने वाली बात है,
याद रखने वाली बात है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान पर आता है। पूरे विश्व का 7.5% यहाँ क्षेत्रफल है। जनसंख्या में यह चौथे स्थान पर आता है। पूरे विश्व का 16.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ कोई भी मरुस्थलीय देश नहीं है, ये भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में सभी प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। जो उत्तरी अमेरिका में है सभी प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। यहाँ हडसन की जलसंधि है जो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने का कार्य करता है, और बेफिन द्वीप और अनगावा प्रायद्वीप को भी जोड़ने का कार्य करता है। डेविस जलसंधि, यह डेविस जलसंधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को अलग करता है, बेफिन द्वीप को और ग्रीनलैंड को जोड़ता है। फोरिंग जलसंधि रसिया और अलास्का को अलग करने का कार्य करता है या जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ बोरिंग सलदी और चुक्की सागर ये दोनों स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलास्का के बारे में। अलास्का, अलास्का जो है एक राज्य है जो यूएसए के अधिकार में आता है। अलास्का एक राज्य है जो यूएसए के अधिकार में आता है। इसका क्षेत्र बर्फीला है दोस्तों, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ है। और इस यहाँ जो रहते हैं उसको इस्किमो कहते हैं। इसके बर्फ के घर बने होते हैं और यही बर्फ के घर को इग्लू के नाम से जाना जाता है, इग्लू कहते हैं। और यहाँ के लोगों जो हथियार यूज करते हैं उसे हार्पून कहा जाता है, और जो नाव यूज करते हैं उसे कयाक कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे कि अलास्का यूएस किसके अधिकार में आता है, यूएसए के अधिकार में आता है। ये बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ इस्किमो रहते हैं और इसके बर्फ के घर बने होते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। इसके हथियार को हार्पून कहा जाता है और इसके नाव को कयाक कहा जाता है, ये हार्पून। इसके उत्तर में ब्रुक्स पर्वत और दक्षिण में अलास्का पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसके बीच में युकॉन घाटी स्थित है। इसे हजारों द्वारों की घाटी कहा जाता है। हजारों द्वारों की घाटी किसको कहा जाता है, युकॉन घाटी को कहा जाता है, जो अलास्का में स्थित माउंट मैकिले। कौन सा पर्वत है, अलास्का में स्थित माउंट मैकिले है जो 6190 मीटर ऊंची है। यह यूएसए का सबसे ऊंची चोटी है, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। उच्च भूमि दो कोस्टल रेंज है, रॉकी माउंटेन है दोस्तों, ठीक है। कंबोडिया का पठार है, कास्केट रेंज तथा रॉकी माउंटेन के बीच स्थित है। कोलोराडो का पठार है जो सेरा नवादा और रॉकी माउंटेन के बीच स्थित है। यहीं चिहुआहुआ मरुस्थल स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। कोलोराडो पठार में कौन सा मरुस्थल है, चिहुआहुआ मरुस्थल है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रॉकी माउंटेन के बारे में देखते हैं। रॉकी माउंटेन क्या है, रॉकी माउंटेन विश्व की सबसे दूसरी लंबी पर्वतमाला है। जो रॉकी माउंटेन है विश्व की सबसे दूसरी पर्वतमाला है, यह वलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकी माउंटेन किसका, कौन सा पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण कोकोस तथा अफ्रीकन प्लेट के टकराने से हुआ है। कुल लंबाई 4800 किलोमीटर। रॉकी माउंटेन कहाँ है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है और विश्व का सबसे दूसरी लंबी पर्वतमाला है। इसका निर्माण कॉकेसस और अमेरिकन प्लेट के टकराने से हुआ है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है, ठीक है। एप्लेशियन माउंटेन के बारे में देखते हैं। एप्लेशियन माउंटेन उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में एप्लेशियन माउंटेन पर्वत स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में एप्लेशियन पर्वत स्थित है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। देखिए एप्लेशियन पर्वत कैसा है, अवशिष्ट पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले है। रॉकी और एप्लेशियन के बीच प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। यह आप याद रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहीं हम लोग
अफ्रीका में देखे थे सवाना घास के मैदान। नेक्स्ट कनाडा के बारे में देखते हैं। कनाडा जो है, ये कनाडा है दोस्तों, कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा भाग है। कनाडा जो है, ये जो अमेरिका आप देखे दोस्तों, ठीक है, तो ये कनाडा जो ऊपर में था, ठीक है, तो ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा भाग है। यह कैनेडियन शील्ड का एक हिस्सा है। 49 डिग्री समांतर रेखा यूएसए तथा कनाडा को अलग करता है। यहाँ आपने देखा था 49 डिग्री समांतर रेखा जो यूएसए और कनाडा को क्या करता है, अलग करने का कार्य करता है। इसे 40% भाग शंकुधारी बन पाया जाता है। यहाँ 40% भाग शंकुधारी बन पाया जाता है क्योंकि यहाँ सालों भर बर्फ़ की वर्षा होती है। तो जहाँ बर्फ़ की वर्षा होती है वहाँ शंकुधारी बन पाए जाते हैं, कोणीय बन पाए जाते हैं। कनाडा अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है। संसार में सोने का सबसे बड़ा खान ओंटेरियो कनाडा में स्थित है। जो संसार में सबसे बड़ा सोने की खान है वो ओंटेरियो कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं महान झील के बारे में, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। महान झील, ठीक है, महान झील क्या है? महान झील के अंतर्गत निम्न झील आते हैं। एक पांच झील आते हैं दोस्तों, सुपरियर झील, यूरोन झील, मिशिगन झील, ओंटेरियो झील और इरी झील। कौन कौन झील? सुपरियर झील, यूरोन झील, मिशिगन झील, ओंटेरियो झील और इरी झील। ये आप याद रखेंगे, ये पांचों झील पूछ जाता है। सुपरियर झील क्या है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह यूएसए तथा कनाडा के सीमा पर स्थित है। पीछे मैप में भी देखे थे हम लोग कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर सुपरियर झील है। उसी वहीं मिशिगन झील, ये पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। इसी झील के किनारे शिकागो स्थित है जहाँ स्वामी विवेकानंद गए थे और भाषण दिए थे दोस्तों, इसलिए ये मिशिगन झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। शिकागो में कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद गए थे और यहीं उन्होंने भाषण दिया था। नेक्स्ट देखते हैं सुनहर। सुनहर क्या है दोस्तों? ये एक नहर है, सुनहर, जो सुपरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ने का कार्य करता है। सबसे बड़ा मांस मंडी शिकागो है, याद रखेंगे। सबसे बड़े मांस मंडी क्या है? शिकागो है। सबसे बड़े रेलवे जंक्शन शिकागो में स्थित है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आया हुआ था, ठीक है, ये चीज़ पहले ही आपको बता दिए। यहाँ कौन आए हुए थे? स्वामी विवेकानंद आए हुए थे, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी है जो यूएसए के 31 राज्यों से होकर गुजरती है, जल उपलब्ध कराती है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी है जो यूएसए के 31 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। कनाडा में जो स्थित झील है ये उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। कनाडा में स्थित झील कौन कौन है? ग्रेट बैरियर लेक है, ग्रेट स्लीव लेक है, ठीक है, अस्थावा झील है, एंडी झील तथा विनिपेग झील स्थित है। नेक्स्ट यूएसए के बारे में देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूएसए की सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड टर्मिनल है जो विश्व की सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, याद रखेंगे। ग्रैंड जो टर्मिनल है ये रेलवे स्टेशन है जो विश्व की सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है, जो कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में स्थित है, ठीक है। डेथ वैली, मृत घाटी, यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक ताप 63 डिग्री सेंटीग्रेड को अंकित किया गया है, इसीलिए इसे डेथ वैली कहा जाता है, मृत वैली कहा जाता है। लॉस एंजिल्स के बारे में देखते हैं। लॉस एंजिल्स ये हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। जो फिल्म बनता है दोस्तों ये लॉस एंजिल्स में बनता है जो हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको के बारे में देखते हैं, जो उत्तरी अमेरिका के नीचे वाले भाग है। मैक्सिको लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। यह
सिल्वर यानी कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। याद रखेंगे दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चांदी के सबसे बड़े उत्पादक देश मैक्सिको है। मैक्सिको की सबसे मुख्य खाद्य फसल गेहूँ और मक्का है, ठीक है। लैटिन अमेरिका या यूरोप का यूरोप की एक भाषा है। यह यूरोप के प्रवासी लोगों ने इस क्षेत्र में रहना शुरू किया जिसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। इसके अंतर्गत मैक्सिको, ठीक है, साउथ अमेरिका, कैरेबियन, आइसलैंड, कैरेबियन द्वीप आदि आता है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की सबसे ऊंची राजधानी में से एक है दोस्तों। मैक्सिको को भारत का शिमला कहा जाता है। और क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये था दोस्तों साउथ अमेरिका के बारे में। एक बार पुनः मैप पर हम लोग नज़र दौड़ाएंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि रसिया और अलास्का के बीच कौन सा बेरिंग जल संधि है, ठीक है। अलास्का में अलास्का पर्वत स्थित है। जो उत्तरी अमेरिका में कौन से पर्वत है, ये रॉकी माउंटेन है, ठीक है, रॉकी पर्वत है। कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये दोस्तों, यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है, ये बेफिन की खाड़ी है, ये ग्रीनलैंड है, इधर कनाडा है दोस्तों, यहीं प्रेरी का घास का मैदान है, ये यूएसए है और ये मैक्सिको है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये 49 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है, ये 49 डिग्री समांतर रेखा है जो यूएसए और कनाडा को अलग करने का कार्य करता है। और यही 49 डिग्री समांतर रेखा में 5 झील है दोस्तों, ठीक है, सुपरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ठीक है, इरी झील, ये सब देखे थे। सुपरियर झील सबसे मीठे पानी का झील है जो 49 डिग्री समांतर पर है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने देखे, ये हवाना है, बरमूडा ट्रायंगल है, सरगैसो सागर, ठीक है, यहाँ कैरिबियन द्वीप है, ये पनामा नहर जल संधि है। तो इन सब के बारे में देखे हम लोगों ने। इसी प्रकार से मैप के माध्यम से सभी के बारे में मुख्य चीज़ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप इसे शेयर करें, अन्य दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, आप भी सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक ऊर्जा के साथ वीडियो बना पाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद।